भारत सरकार ने 103 और लोगों को भारत रत्न सम्मान दिए जाने का ऐलान किया है। इनमें से दो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव हैं। वहीं हरित क्रांति लाने वाले एम एस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में और किसान के जीवन को संवारने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करना एक बड़े राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद से ही उनको कांग्रेस के अंदर से साइडलाइन कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी सरकार उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पीवी नरसिम्हा राव ने देश के आर्थिक उदारीकरण में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन कांग्रेस उनकी उपेक्षा करती रही, जिसका खामियाजा कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में उठाना पड़ा, क्योंकि नरसिम्हा राव खुद आंध्र प्रदेश से आते हैं। उत्तर भारत के अंदर चौधरी चरण सिंह जाट लैंड से आते हैं। उन्होंने किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जाता है। चौधरी चरण सिंह हमेशा से ही किसान पॉलिटिक्स को आगे रखते रहे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान के बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, आपने दिल जीत लिया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं हैं। उससे पहले ही मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया।